टी एन एन टी वी की बना के साथ मैं हूँ सूबाई हुकूमत के जारी करदा क्यूबेक ऑर्डर ऑफ नर्सिस के तहत शोब सेहत के जिन अरकिन ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लाइसेंस जुम्मे तक मअतल हो जाएंगे मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन सूबे क्यूबैक में वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है सूबाई हुकूमत के जारी करदा क्यूबैक ऑर्डर ऑफ नर्सिस के तहत जिन अरकिन ने कोविड नाइन्टीन के खिलाफ वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लाइसेंस जुमे तक मतलब हो जाएंगे ये फैसला पंद्रह अक्टूबर को सूबे में वैक्सीनेशन की डेड लाइन से सिर्फ चंद रोज़ कबल किया गया है जिसके बाद सेहत के शोबे में वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के लाइसेंस मतली का सामना करना पड़ सकता है क्यूबैक के वजीर साहत क्रिश्चियन डोबे ने इस खबर का खैर मुकदम किया है उन्होंने ट्विटर पर फ्रांसीसी में लिखा कि इशारा वाज है कि 15 अक्टूबर को सेहत की देखभाल के निज़ाम में लाजमी वैक्सीनेशन को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा मैं उन तमाम नर्सों की हौसला अफजाई करता हूँ जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई कि वो अब जाकर यह काम करें क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है क्रिशियन डोबे ने कहा कि ये पेशा वाराना अहकाम पर मुंहसर है कि वो अपने अरकान पर वाजे करें कि अगर वो सेहत के शोबे में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उन्हें वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है माशियात का नोबल इनाम दो हज़ार इक्कीस कैनेडा और अमरीका के तीन माहिर माहिरत ने अपने नाम कर लिया इस हवाले से मजीद जानते हैं माशियात का नॉबल इनाम दो हज़ार इक्कीस कैनेडा और अमरीका के तीन माहिरत ने अपने नाम कर लिया कैनेडा के माहिर माशियात डेविड कार्ड, इसराइली नजात अमरीकी जोशुआ एंग्रेस्ट और दिच नजात अमरीकी माहिर माशियात साल नॉबल इनाम के हकदार बने हैं तीनों अफराद को लेबर मार्केट में कुदरती तजुर्बा की नई बसरत उजागर करने पर नॉबल इनाम दिया गया है नॉबल प्राइज़ कमेटी के मुताबिक इनाम की निसफ रकम कैनेडा के माहर मुशियात डेबिट कार्ड को मिलेगी और बाया निसफ रकम दोनों अमरीकी माहरीन मुशियात के बराबर तकसीम की जाएगी कनेडियन सूबे ओंटेरियो की हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है और अब शहरी बड़े इज्त मनद कर सकते हैं जिनमें तालीम इस्पोट इंटरटेनमेंट और समाजी तकरीब शामिल हैं मजीद तफ़ी इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है आखिरी इतना के मुताबिक कैनेडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमु तादाद सोलह लाख पचपन हजार तीन सौ सतहत्तर तक जा पहुँची है जबकि हलाकतें अट्ठाईस हजार एक सौ छियासी हो गई मुल्क भर में पंद्रह लाख पचासी हजार नौ सौ बहत्तर से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं ऑनटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद पाँच लाख नब्बे हजार छ सौ सतहत्तर तक जा पहुंची है जबकि हलाकतों की तादाद नौ हज़ार सात सौ छियासी है ऑन्टेरियो की हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है और अब शहरी बड़े इज्तम मनद कर सकते हैं जिनमें तालीम स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट और समाजी तकरीबा शामिल हैं इस इजाजत के बाद अब स्पोर्ट्स की दुनिया की मशहूर टीमें टोरंटो रैपिटर्स और मेपल लीव के दरमियान होने वाले मैच में पोले स्टेडियम गुंजाइश की इजाज़त भी दे दी गई है जिससे शायक फ़ायदा उठा सकेंगे कनाडा में कोरोना वायरस के सब सबसे ज्यादा में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद चार लाख चौदह हजार पाँच सौ तिहत्तर है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद ग्यारह हजार चार सौ दस तक पहुँच चुकी है कैनेडियन सूबे अलब्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबटा सूबा इस वक्त करोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है सूबे में तीन लाख आठ हज़ार दो सौ पचहत्तर अफराद करोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि दो हज़ार आठ सौ तीस अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में केसेस की तादाद एक लाख बानवे हज़ार चार सौ इक्यानवे है जबकि सूबे में करोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद दो हज़ार एक है शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन ने कहा है कि खिते में तनाव का जिम्मेदार अमरीका है हमारा सबसे अहम मकसद एक नाकबले तस्कर फौजी सलाय का है जिसे कोई भी करने की ना कर सके मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन ने कहा है कि खत्े में तनाव का जिम्मेदार अमरीका है हमारा सबसे अहम मकसद एक नाकबले तस्खीर फौजी सलाहियत का जिसे कोई भी चैलेंज करने की जरूरत ना कर सके शुाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन ने दिफाही तरक्की की नुमाइश से ख़ब करते हुए खत्ते में तमाम तर तनाव का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया उन्होंने जनूबी कोरिया के रवैये पर भी तनकीद की उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया की फ़ौजी तोजन बिगाड़ने की कोशिशें खत्े के लिए ख़तरे का बायस है शुमाली कोरिया की फ़ौज का मकसद जुनूबी कोरिया को निशाना बनाना नहीं है अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में टीचर ने मुस्लिम तालबा का जबरदस्ती नकाब उतरवा दिया बच्चे के वाले ने कार्रवाई का फैसला किया है मजीद तफ़ी जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में टीचर ने मुस्लिम तालबा का जबरदस्ती नकाब उतरवा दिया बनवा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियासत न्यू जर्सी के स्कूल में जेर तालीम सात साल सामिया हिजाब और नकब के साथ स्कूल में दाखिल हुई तो उन्हें टीचर ने क्लास में दाखिल होने से पहले रोका और गुस्सा करने के बाद जबरदस्ती नकाब उतरवा दिया टीचर के रवैये पर बच्ची खौफोह हरास का शिकार हुई और वो इसी हालत में घर पहुंची जिसको देखकर कर परेशान हुए वालदेन के इसरार पर बच्ची ने अपने साथ पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक आगाह किया बच्ची की वालदा ने बताया कि सामिया दूसरी जमात की तालबा है वो नकाब के साथ स्कूल जाती है माजी में कभी ऐसा वाक्य पेश नहीं आया इस तरह का रवैया पहली बार रवा रखा गया जिसके बायस वो शदीद खौफ हो गई है समिया की वाला ने स्कूल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया तो अमरीका में मुस्लिम कम्यूनिटी मुसलमानों के हकूक के लिए काम करने वाली तनजीमों ने भी हमायत की यकीन दहानी कराई कौंसल ऑन अमरीकन इस्लामिक रिलेशन ने इस वाके की मजम्मत करते हुए कहा है कि उसताद के इस रवैये का बच्ची के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा मुस्लिम कम्यूनिटी उस के इस रवैये पर नाला है और उन्होंने स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरीों को खबरदार किया है कि वह अफगानिस्तान में होटलों को इस्तेमाल करने से गुरेज करें मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीका और बरतानिया ने अपने शहरीों को खबरदार किया है कि वो अफगानिस्तान में होटलों को इस्तेमाल करने से गुरेज करें यह हिदायत ऐसे वक्त में सामने आई जहाँ चंद रोज कबल ही एक मस्जिद में हमले के नतीजे में दर्जनों अफराद की हलाकत हुई थी जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी तालिबान जिन्होंने अगस्त में इकतदार संभाला था और इस्लामी ऐलान किया था एक इंसानी आफत से बचने और अफगानिस्तान के बहरान को कम करने के लिए बैन अमी हैं। ताहम तालिबान को उन्हें दाइश के अफगानिस्तान चैप्टर से खतरे पर काबू पाने के लिए जद करनी पड़ रही है अमरीकी महकमा खारजा ने इलाके में सिक्योरिटी खतरा का हवाला देते हुए कहा की अमरीकी शहरी जोसरीना होटल के करीब है उन्हें फौरी तौर पर वहाँ से चले जाना चाहिए बरतानिया के फौर कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने कहा कि बढ़ते हुए ख़तरा की रोशनी में आपको मशवरा दिया जाता है कि होटलों में ना रहें खास तौर पर काबुल में मरूफ पुरतर सरीना होटल जो कारोबारी मुसाफरों और गैर मुल्की मेहमानों में मकबूल है दो मरतबा हमलों का निशाना बन चुका है भारत में कोरोना वायरस से चार लाख पचास हजार नौ सौ इक्यानवे हलाकते हो चुकी हैं, जबकि इससे 3 करोड़ उनतालीस लाख पिचासी हजार नौ सौ बीस मरीज सामने आ चुके हैं इस हवाले से मज़ीद जानते हैं दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है दुनिया भर में करोना वायरस से मुतासरा अफरा की तादाद तेईस करोड़ नब्बे लाख इक्यावन हजार एक सौ उनहत्तर तक जा पहुँची है जबकि इस मूजी वायरस से अमवात अड़तालीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ उनचास हो गई जबकि इक्कीस करोड़ तिरसठ लाख पाँच हजार चार सौ दस करोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं कोरोना वायरस केसेस और इससे अमवात के एतबार से दस सर फहरस्मालिक में तैतीस करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है जहाँ इस वायरस से अब तक सात लाख चौंतीस हजार छः सौ ग्यारह अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद चार करोड़ तिरपन लाख तेरह हजार तीन सौ तिरपन हो चुकी है एक अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है जहां इस वायरस से चार लाख पचास हजार नौ सौ इक्यानवे हलाकते हो चुकी हैं जबकि इससे मुतासरा तीन करोड़ उनतालीस लाख पचासी हजार नौ सौ बीस मरीज सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से की इस ममालिकरिश में ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है ताहम ये अमवा के हवाले से में दूसरे पर है जहाँ इस जानलेवा हजार दो सौ छियासठ हलाकतें हो चुकी हैं जबकि इसके मुता मरीजों की तादाद दो करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार सात सौ अड़तीस हो गई तुर्की में कोरोना वायरस से अमवा छियासठ हजार तीन सौ अड़सठ तक जा पहुंची है जबकि के केसेस चौहत्तर लाख पिछहत्तर हजार एक सौ हो चुके हैं ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद एक लाख बाईस हजार आठ सौ अड़सठ हो गई जबकि इसके कुल केसेस सत्तावन लाख सोलह हजार तीन सौ चौरानवे हो गए सऊदी अरब इसी फहरिस में तिरपनवे नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात आठ हजार सात सौ अड़तालीस रिपोर्ट हुई है जबकि मुम्लिकत में कोरोना मरीजों की तादाद पाँच लाख सैतालीस हजार सौ उनचास तक जा पहुंची है टीएनएन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीएनएन टीवी